So, Beenish, हमारे पास, अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? I am absolutely fine. How was your Eid? मैं मेरी बहुत जबरदस्त थी. वेरी डिफरेंट. वेरी डिफरेंट. जैसे होती थी हर साल. यू वर अवे ना? मैं शिकागो में थी. इंडियाना में ईद की और बहुत मजा आया. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. चलो गुड गुड. तुम्हारी ईद कैसी गुजरी? सोते सोते थकन उतारते उतारते. ये क्या यार, हमेशा ऐसे गुजरती है. सारे सैलून वालों की ऐसी गुजरती है. अग्री करेंगे. यस, क्योंकि तुम लोग पूरी रात बहुत मेहनत करते हैं. सिर्फ रात नहीं होती है, पूरा लास्ट वीक जो होता है. हम ना सो सकते हैं, रात तक भी काम करते हैं. सुबह अर्ली मॉर्निंग भी अपॉइंटमेंट होते हैं. तो हमारी तो पूरी एक हफ्ते की नींद जमा होती है. सही है यार, कमाई है. पैसे आ रहे हो तो आ रहे हैं तो क्या है? और क्या अच्छी बात है ना. ये यही तो ईद है बेसिकली. सलाम, दैट इज ईद फॉर अस. सो बीनिश यहाँ मौजूद है. हमारी नादिया हुसैन भी पहुंच चुकी है. आज माइक लगा है कि नहीं? लग गया. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. कोई बात नहीं, चलता है भाई. बच्चे हो और बच्चों को स्कूल भेज के आना हो तो भी बड़ी बहुत है. मैं खुद मेकअप करके घर से निकलती हूँ. जब बलाज निकल जाते हैं तो फिर मैं निकल कर आती हूँ. क्योंकि हम आ जाए और हमारे पीछे बच्चे कहें हमारे पेट में दर्द है, हम स्कूल नहीं जा रहे, बहाने कर दें फिर. बिल्कुल. कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक. तुम्हारी ईद कैसी गुजरी? ईद अच्छी गुजरी. अच्छी गुजरी. हाँ बिल्कुल. मतलब लाइक वही तुम्हारा भी हाल था जो बीनेश का था कि लाइक वो सैलून. मसला तुम्हारे पास सैलून में बहुत सारे लोग हैं ना हेल्प करने के लिए. हाँ, सैलून का तो खैर जाहिर है स्टाफ जो है वो तो क्योंकि सर्विसेज की जनरली चीज़ें हो रही होती हैं. आखिरी दिनों में जो है वो कुछ जो है वो मेरी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो एस्थेटिक्स की होती हैं फिर. अच्छा. वो जो है वो आखिरी दिनों में जो है ना वो फिर हुआ. हाँ. लोगों को ऑल ऑफ अ सडन यू नो औरतें याद आता है कि हाँ, अच्छा कुछ करा लें, कुछ करा लें, ग्लो कर लें. हमारी आवाम में ये एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है. लास्ट वीक हमारा बहुत हैक्टिक जाता है इसी वजह से. बिकॉज बहुत सारी औरतें ऑर्गेनाइज नहीं होती. उनको पहले से पता नहीं होता कि हमें ये करना.